नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एसजे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिवसेना ने फूंका पुतला। विभिन्न मांगों को लेकर लेखपालों ने दिया तहसील सदर में धरना। पार्टनरों के विवाद में पीसे सुरक्षा कर्मी, भूखे मरने की पड़ी नौबत। ननोतमे मशीन की खराबी से जनता हुई परेशान, बिना टिकट ट्रेन में चढ़े यात्री। नगर निगम ने 2 करोड़ की भूमि कराई अतिक्रमण मुक्त। सिटी वेब न्यूज में हेडलाइंस के बाद आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। एसजीए पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिवसेना ने फूंका पुतला। कोर्ट रोड स्थित सोफिया मार्केट के सामने शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए एसजे का पुतला भी फूंका। इस मौके पर जिला प्रमुख सुभाष कक्कड़ व नगर प्रमुख राजेंद्र चावला ने एसजे के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसजे के खिलाफ उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, लगातार 40 दिन तक पुतले फूके जाएंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश सिंह व महामंत्री धीरेंद्र राठौर ने आरोप लगाया कि जिस निर्माण पर पैसे नहीं मिलते ऐसे लोगों पर एसजे चालान की कार्यवाही कर देता है। प्रदर्शनकारियों में राजीव ठकराल, संजय कुमार, रवि कुमार, पवन नारंग, बलदेव राज, विनोद बत्रा, शुभम सोनकर, अनिल राजपूत, राजेंद्र कुमार, सत्येंद्र सोनकर आदि मौजूद रहे। सहारनपुर के जो बड़े से बड़े अधिकारी को हम लोगों ने संपर्क किया कि आपके जो अधिकारी है, आपके जूनियर जेई जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे पास सारे सबूत हैं कि जहाँ कहाँ जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, जहाँ जहाँ मार्केटें बन रही हैं, ये लोग बनवा रहे हैं। जो करोड़ों रुपये जो है राजस्व सरकार के खाते में आना था, वो सारा पैसा इन जेई के जो है जेब में जा रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर लेखपालों ने दिया तहसील सदर में धरना। विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने प्रांतीय आह्वान पर तहसील सदर मुख्यालय पर धरना दिया। इस मौके पर लेखपाल संघ द्वारा एसपी विसंगति, वेतन उच्चीकरण, प्रोन्नति काडर रिव्य, पेंशन विसंगति भत्ते, राजस्व लेखपाल का पदना परिवर्तन आदि अनेक मांगे उठाई गई। धरने पर सचिव विजेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी मांगे काफी दिनों से लंबित है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 5 दिसंबर को लखनऊ में लेखपाल संघ से जुड़े कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे। आज हम लोग अपनी पूर्वत जो हमारी मांगे थी उनके लिए 10 से 2 बजे तक धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं वेतन विसंगति, वेतन उच्चीकरण, प्रोन्नति कार्डर रिव्यू और हमारा अंतरमंडलीय स्थानांतरण। और इसमें हमारी मांग जो काफ़ी समय चल रही है, इसकी योग्यता स्नातक किया जाना और हमारी इसमें प्रोन्नति किया जाना। यदि हमारी मांगे पूरी आज नहीं होती है, हम 5 दिसंबर में लखनऊ में विधानसभा घेराव करेंगे। पार्टनरों के विवाद में पीसे सुरक्षाकर्मी, भूखे मरने की पड़ी नौबत। दिल्ली रोड स्थित एक मॉल में पिछले कई माह से लगे सुरक्षाकर्मी वेतन नहीं मिलने से परेशान है। मॉल के पार्टनरों की लड़ाई का खामियाजा सुरक्षाकर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे एक सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक शैलेंद्र रावत ने बताया कि उनकी एजेंसी द्वारा दिल्ली रोड स्थित मॉल पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। कई माह बीत गए लेकिन सुरक्षाकर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मॉल के 2 मालिक हैं, दोनों ही एक दूसरे पर वेतन भुगतान करने को कह रहे हैं लेकिन भुगतान कोई नहीं कर रहा है। ऐसे में सुरक्षाकर्मियों के सामने भूखे मरने की स्थिति पैदा हो गई। व्यापार अच्छा हो रहा है, दोनों पार्टनरों में आपस में विवाद चल रहा है, उनके अकाउंट में पर्याप्त धनराशि है, दोनों पार्टनर आपस में कह रहे हैं कि आप उनसे लो, आप उनसे लो। क्या वो देने में सक्षम है? हाँ, उनके अकाउंट की स्टेटमेंट है दोनों को एक दूसरे के पास, काफी मात्रा में उनके पास पैसा है लेकिन दोनों को देने की नीयत नहीं है, आपस में विवाद चल रहा है लेन देन का उनके पास। तो आपकी आगे की रणनीति क्या रही है अगर आज भी प्रशासन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई? हम आज प्रार्थना पत्र देने आए हैं एसएसपी महोदय को कि कृपया हमें न्याय दिलाया जाए और सुरक्षा कर्मियों का वेतन दिलवाया जाए ताकि उनका परिवार का पालन पोषण सही समय पर हो सके। नगर निगम ने 2 करोड़ की भूमि कराई अतिक्रमण मुक्त। नगर निगम ने आज राजस्व विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर खाताखेड़ी के निकट दरा कोटला स्वाद बैरून में करीब 2 करोड़ रुपए की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया और भूमि को चिन्हित किया। क्षेत्र के लेखपाल व कानूनगो साधु राम को साथ लेकर नगर निगम के कर अधीक्षक विनय शर्मा, राजस्व निरीक्षक विकास कुमार व प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल बीएस नेगी ने मौके पर पहुंचे और भूमि की पैमाइश की तो पाया कि उक्त स्थान पर गोहर की चौड़ाई वास्तविक चौड़ाई की 1/4 ही रह गई है। कर्नल बीएस नेगी ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर कुछ फलदार व अन्य प्रजातियों के वृक्ष भी खड़े हैं। निगम का संपत्ति विभाग जल्द ही जल्द उक्त स्थान पर पिलर व वृक्षों को संरक्षित करने के लिए तार बाड़ लगाएगा। ननोतमे मशीन की खराबी से जनता हुई परेशान, बिना टिकट ट्रेन में चढ़े यात्री। ननोता रेलवे स्टेशन पर टिकट मशीन में आई तकनीकी खराबी के चलते अधिकांश यात्री बिना टिकट के ही जनता एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने को मजबूर हो गए। मंगलवार की सुबह करीब 50-60 सवारियां टिकट लेने के लिए लाइन में लगी थी लेकिन टिकट
वितरक ने बताया कि मशीन में तकनीकी खराबी आने के चलते टिकट नहीं मिल पाएंगे। यह सुनकर ट्रेन से जाने वाले लोग परेशान हो गए। बताया जाता है कि स्टेशन पर जनता एक्सप्रेस के पहुंचने पर ही टिकट दिए गए, जबकि अधिकांश लोग बिना टिकट के ट्रेन में बैठने को मजबूर हुए। इस संबंध में रेलवे स्टेशन मास्टर प्रवीण कुमार का कहना है कि कुछ देर के लिए तकनीकी खराबी टिकट मशीन में आ गई थी। सिटी वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे, और हमारी हर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।